स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 दिसंबर से दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मलिन बस्तियों से कर दी गई है। इस अभियान में 5 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। यह अभियान 31 जनवरी 2019 तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग समय समय पर छोटे व कुपोषित बच्चों के लिए अभियान चलाता रहता है। इसी क्रम में अब घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। इसके लिए अलग अलग टीम तैयार की गई है, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार का काम करेगी। टीम में 3 से 4 लोगों को तैनात किया गया है, जो खास 10 बिंदुओं पर कार्य करेंगे, जिसमें जिन बच्चों को कुपोषण है उन्हें चिन्हित किया जाएगा। साथ ही बच्चों को विटामिन ए के टीके लगाए हैं कि नहीं, साथ ही जिस घर में बच्चे टीकाकरण के लिए छूट गए हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। ऐसे कुछ खास बिंदु है जिन्हें चिन्हित कर रिपोर्ट सीएमएचओ को सौंपी जाएगी। मामले में जानकारी देते हुए सीएमएचओ प्रवीण जड़िया ने बताया कि अभियान की शुरुआत कर दी गई है। दस्तक दरअसल मध्य प्रदेश की फ्लैगशिप योजना है। इसमें घर घर जाकर पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में यह योजना चलाई जाती है। घर घर जाकर प्रत्येक घर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की 10 तरह की जांचें की जाती हैं, जिनमें मूलतः रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी, एनीमिया, निमोनिया की कोई संक्रमण तो नहीं है, उनको कुपोषण की कोई बीमारी तो नहीं है, उनको किसी तरह का निमोनिया या दस्त का निर्जलीकरण तो नहीं है, उनको हाथ धोने की प्रैक्टिस कराना, वस्तुतः गंदगी से कैसे दूर रखा जाए और संक्रमण हमें ना हो, हाथ धोना एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक IYCF होता है कि बच्चे को जन्म के पश्चात 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, 6 माह के पश्चात 2 वर्ष तक उसे ऊपरी आहार देना है। इस तरह की कुल 10 गतिविधियाँ हैं। इसमें छूटे टीकाकरण से वंचित बच्चे भी आ जाते हैं। SNCO से जिन बच्चों को, गंभीर अवस्था के बच्चों को रखा गया है, उन्हें डिस्चार्ज के पश्चात फॉलोअप भी आ जाता है। NRC में जो बच्चे थे, यानी कि पोषण पुनर्वास में जो कुपोषण के बच्चे थे, उन्हें जब डिस्चार्ज किया जाता है तो प्रत्येक 15 दिन में उनका फॉलोअप होना चाहिए, वो भी आ जाता है। तो ये कुल मिला के 10 तरह की योजना पॉइंट्स हैं, जिनमें एक दल हमारा जाता है। ये पूरे शहर में चलाया जाएगा, परंतु पहले अभियान के तहत मलिन बस्तियों को जोड़ा गया है, जहां घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बच्चों को चिन्हित करेंगे और इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ आंगनबाड़ी के कर्मचारी व आशा उषा कार्यकर्ता भी बच्चों को चिन्हित करेंगी।